हेडलाइट में हमने इसमें RGB DRL लगा दी है। प्रॉब्लम पहले की लगी हुई थी, इसमें हमने LED चेंज कर दी है, DRL यू शेप लगा दी है भैया। लेकिन यहाँ पर 12,000 रुपए में आपको हेडलाइट मिल रही है टॉप मॉडल वाली वे DRL के साथ में, जो कि टॉप मॉडल की पूरी एग्जैक्ट मारुति जेन्युइन वाली हेडलाइट है ये। RS ग्रिल भी चेकआउट कर लो भाई, ये तो अभी जो नई वाली की आई है मुझे इतनी पसंद नहीं आई, लेकिन इस वाली की ग्रिल भी काफी अच्छी लग रही है। एम्बिएंट लाइट लगाई है, K4 डोर पैनल को हमने आई ग्रे कलर में कर दिया इसको रेड, ठीक है। इसके अलावा सीट कवर बना दिए थाई सपोर्ट वाले भी, मून डिजाइन वाला स्टीयरिंग भी बना दिया है। मर्सिडीज की बात हो गई है तो बैक साइड में लुक डाल दिया मर्सिडीज वाला, फ्यूचर कुछ ऐसा होता है। और मर्सिडीज की टेल लाइट की बात करूं तो ये है पूरी स्मोक। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? तो भाई मैं फिर से हूँ माही कार एक्सेसरीज पर, और आज आपके सामने है भाई एक और स्विफ्ट। मेरे साथ में मनीष भैया। भैया इस वाली स्विफ्ट को भूल तो नहीं जाएंगे हम? नहीं नहीं, करते कितनी रोडों पे चल रही है आज भी ये गाड़ी, है ना? अच्छी खासी बढ़िया चल रही है गाड़ी। और गाड़ी के अंदर क्या क्या भैया मॉडिफिकेशन कर दिया आज? आपकी अपना आगे हेडलाइट लगा दिया, टेल लाइट लगा दिया, नीचे प्रॉब्लम की DRL ग्रिल, नीचे टेल लाइट है, पिलर लाइट, डिफ्यूजर अंदर है, काफी कुछ है मतलब उसके अंदर भी। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं भाई इस गाड़ी की, तो ये वाला मॉडल अपना VXI और ये ओल्ड वाली स्विफ्ट है जो पहले अभी हमारी 2024 से पहले जो चलती थी। इसके अंदर बहुत सारी मॉडिफिकेशन होती थी, होती है और होती रहेगी भी, क्योंकि 2018 से 24 तक ये गाड़ी आई है, 6 साल गाड़ी आई है, तो इसका मतलब अभी 10 साल चलने बाकी है उसको, है ना? तो कोई दिक्कत नहीं है। बात कर लेते हैं पर फ्रंट साइड से देख लेते हैं भैया, फ्रंट से क्या क्या लगाया हमने ना। तो ये है इस गाड़ी का फ्रंट साइड। अब बात करते हैं मनीष भैया से, भैया क्या क्या लगा दिया भैया इसमें? देखो प्रॉब्लम पहले की लगी हुई थी, इसमें हमने LED चेंज कर दी है, DRL यू शेप लगा दी है भैया, इसके अलावा सी शेप, इसके अलावा भैया हेडलाइट हमने यूज वाली लगाई है टॉप मॉडल वाली, थार कर करके हेडलाइट का यू याद आ रहा है आपको, है ना? तो भाई ये वाली हेडलाइट है टॉप मॉडल वाली भी है, इसमें हमने क्या क्या चेंज करा? वैसे ग्लास जो है इनकी हेडलाइट का ही लगता है, बाकी पार्ट जो क्रोम होता है उसको हम ब्लैक कर देते हैं, साथ में DRL ये टॉप मॉडल वाली भी है, अंदर डायमंड आईल भी लगा दिया। भाई अगर मैं हेडलाइट की बात करूँ तो ये अपनी यूज्ड हेडलाइट है, है ना? अगर इसकी अगर आपको ब्रांड न्यू चाहिए तो ब्रांड न्यू मिल जाती है, लेकिन ये है यूज, इसलिए हमने इसको हेडलाइट जो इसकी कॉस्टिंग लिया जो अभी का रेट है इसका 12,000 12,000 आप लगवाते हो तो 2500 रुपए की एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लग जाएंगे। लेकिन यहाँ पर 12,000 रुपए में आपको हेडलाइट मिल रही है टॉप मॉडल वाली वे DRL के साथ में, जो कि टॉप मॉडल की पूरी एग्जैक्ट मारुति जेन्युइन वाली हेडलाइट है ये, जिसको हम पहले ब्लैक कर देते हैं और अंदर डायमंड इंस्टॉल कर देते हैं, और कुछ ऐसा DRL आपको कंपनी से मिलता ही है जो कि वर्किंग में बहुत अच्छा चलता है। बात करते हैं फॉग लाइट की, फॉग लाइट में क्या लगाया हमने? पहले कंपनी का लगा हुआ था, इसमें हमने जो है 115 वाट की LED लगा दी है। 115 वाट भैया, 115 वाट काफी ब्राइट है, काफी ब्राइट है, कहने को 115 है बस, वो अच्छी LED है ना? तो यहाँ पर LED का जो रिस्पॉन्स है भाई वो भी काफी अच्छा आ रहा है। RS ग्रिल लगा दी हमने, RS ग्रिल भी चेकआउट कर लो भाई, ये तो अभी जो नई वाली की आई है मुझे इतनी पसंद नहीं आई, लेकिन इस वाली की ग्रिल भी काफी अच्छी लग रही है, सेम ऐसी नई वाली की भी आ चुकी है, बट इतनी ज्यादा अच्छी लगी जितनी बड़ी है वाली, है ना? बहुत कुछ आना बाकी है, लेकिन अगर बात करूँ तो इसका जो लुक है वो काफी ज्यादा अच्छा लगता है भाई। अब बात करते हैं कुछ इस वाली का साइड मिरर, ये अपना VXI मॉडल है तो इसमें फोल्ड नहीं आता इसके अंदर, तो हमने इसको फोल्ड कर दिया, यहाँ पे ऑटो फोल्ड भी है। ऑटो फोल्ड करने के लिए क्या क्या लगाना पड़ता है हमें इस मिरर के अंदर? मोटर, रिले और सीट, ठीक है। रिले इसलिए क्योंकि इसको हमें रिमोट से अगर लॉक करना है, ये देखो भाई फोल्ड हो रहा है, और बटन दबाएंगे तो वापस से अनफोल्ड भी हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी अगर की निकाल के भैया करके दिखाएंगे आप लोगों को, तो ये देखो भाई ये कह रहा गाड़ी लॉक, लॉक हो गई, फोल्ड हो गया, और अनलॉक करेंगे तो ऑटोमेटिक अनफोल्ड भी रहेगा। ये पूरे फीचर भी हमें कितने मिल जाते हैं अगर VXI कोई लेके आ रहा तो, और अगर LXI मॉडल है तो पड़ता भी 9,500 विद रिले के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर भाई साइड प्रोफाइल में और कुछ तो है नहीं इसके अंदर एज यूजल, एक ये डोर वाइजर जरूर थे अपने, डोर वाइजर भी हमने इसके अंदर इंस्टॉल करवाए हैं अब, और एक इसके अंदर इतने बड़े बड़े अलॉय लग रहे हैं, तो ये अप्रॉक्स 16 इंची के अलॉय यहाँ पे लिखा हुआ है भाई, जो कि अलॉय लगने के बाद तो हमेशा स्विफ्ट जैसी गाड़ी अच्छी लगती है। बात करते हैं इंटीरियर की, तो यहाँ पर क्या क्या भैया? 6 पीसेस वाली हमने एम्बिएंट लाइट लगाई है, K4 डोर पैनल को हमने आई ग्रे कलर में कर दिया इसको रेड, ठीक है। इसके अलावा सीट कवर बना दिए थाई सपोर्ट वाले भैया, मून डिजाइन वाला स्टीयरिंग भी बना दिया है, मून डिजाइन वाला स्टीयरिंग भी हमने इसको सीटों को डुअल कलर में लिया भैया, ना ये आई ग्रे कलर भी हो गया और ब्लैक कलर भी हो गया, इंटीरियर बनाने के लिए हमने इसका ये भी चेंज कर दिया है ना। तो भाई बेसिकली मीटर में ना VXI में सिर्फ एक डिस्प्ले का फर्क आता है, बाकी ये तो सेम ही रहती है, और उसमें पेट्रोल की सुइयां भी आ जाती है, तो भाई ने सोचा कि ये सेम दिख रहा है थोड़ा, तो क्या ही चेंज कराना, बट यहाँ पर इसको ना मीटर अगर चेंज नहीं हुआ, लेकिन काफी कुछ वैसे भी इसके अंदर इंस्टॉल हो गया, जैसे एम्बिएंट लाइट इसके अंदर इंस्टॉल हो चुकी है, सॉफ्ट टच हो चुके हैं इसके अंदर, ठीक है। ये देखो प्रॉपर सॉफ्ट टच जिसे बोलते हैं वो हो चुका है इसके अंदर। इसके बाद सीट की बात करूं तो डुअल टोन में इसकी सीटें भी इंस्टॉल हो गई हैं, ये देखो भाई
डुअल टोन के अंदर। क्वालिटी की बात करूँ तो बहुत ज्यादा बढ़िया क्वालिटी के साथ माऊ लेदर जो भैया लगाते हैं ना इसके अंदर वही कपड़े में लगा दिया है विद एक्स्ट्रा थाई सपोर्ट के साथ। तो ये तो रहा इस गाड़ी का इंटीरियर। उसके बाद अगर बात करें बूट की तो ये बूट वाला कपड़ा भी जो उसके गियर नोब वाला जो गियर का कपड़ा होता है गियर बूट का ये भी चेंज कर दिया। इसके बाद अगर बात करें स्टेयरिंग की तो ये अपना डुअल टोन में माउंट डिजाइन में रैप कर दिया विद सिक्स पीसेज लगाए भैया इसके अंदर एम्बिएंट लाइट के है ना। पैरों में नहीं है इसके अंदर, बाकी और कुछ रह गया भी अंदर इसमें। एक ऑप्शन और आ चुका है इसके अंदर एसी वेंट का, पहले जुगाड़ करते थे हाँ। इसका प्रॉपर जब नई गाड़ी आ गई तो प्रॉपर आ गया ना, नहीं आने के बाद ही आया ना भैया बिकेगा ना भाई। जैसे कि हम इसके अंदर लगाते हैं थार में प्रॉपर आता है एएमजी स्टाइल थार वाला ही लगा रहे थे उसमें कटिंग करके, अब प्रॉपर आ गया। अब इसका भी आता है जिमनी का भी आता है थार का, सबके प्रॉपर है। तो कोई भी आप अगर लगवाना चाहते हो तो ये वाला आपका प्रॉपर है, सीधा वेंट चेंज होगा और कटिंग वगैरह नहीं करनी पड़ेगी, आपको मिल जाएगी पूरी फील आपकी मर्सिडीज वाली, ठीक है। उसके बाद मर्सिडीज की बात हो गई है तो बैक साइड में लुक डाल दिया इसमें मर्सिडीज वाला, मर्सिडीज वाला डिफ्यूजर भी लगा दिया नीचे है ना। तो ये देखो डिफ्यूजर कुछ ऐसा होता है। और मर्सिडीज की टेल लाइट की बात करूँ तो ये पूरी स्मोक देखो ऐसे दिखते ब्लैक जैसा आपने अपनी गाड़ी में देखी होगी। और ये देखो भाई कुछ ऐसे स्कैनिंग में चालू होती है और बहुत प्यारी लगती है। ये देखो भाई ऑन हो गई इंडिकेटर पे आपका ये वाला कुछ फीचर काम करेगा इसके अंदर, ठीक है भाई ये इंडिकेटर में काम कर रहा है। और ब्रेक अगर दबाएंगे तो ये तीनों लाइट जो है ब्रेक पे भी काम करेगी, ठीक है ये देखो। और अगर इस पे रिवर्स की बात करें तो यहाँ पे एक छोटा सा रिवर्स भी इसके अंदर मिल जाता है। देखो भाई ये सारे फीचर आपको टेल लाइट मिल जाता है और गाड़ी का जो लुक है इससे बहुत ज्यादा एनहांस हो जाता है। इसके बाद अगर बात करें एक पिलर लाइट भी इंस्टॉल है इसके अंदर, कुछ और भी है इसके अंदर, इसके अलावा ये भी स्कैनिंग में है। ये देखो भाई पीछे से लुक इस गाड़ी का काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। अब पहले जब ये आई थी तो एक नॉर्मल टेल लाइट जो कंपनी वाली ओएम टेल लाइट आती है वो लगी हुई थी ना, अगर इसमें वो लगी होती तो पीछे से इतना अग्रेसिव लुक नहीं आता, बट अब काफी ज्यादा बढ़िया लुक आ रहा है। और हमने जो एम्बिएंट लाइट भी लगाई है वो भी K4 लगाई है ना, K4 मोस्टली K4 जाते क्योंकि इतना ज्यादा प्राइस है नहीं इसका, अब तो बहुत कम हो गया है। हाँ तो अब इसके अंदर K4 लगी है, देख रहे भाई कैसे चल रही है, तो K4 सीरीज है। तो ये अपनी पूरी की पूरी गाड़ी की मॉडिफिकेशन जो कि कंप्लीट हो चुकी है। एक VXI गाड़ी के अंदर जितना काम हो सकता है वो हमने इसके अंदर इंस्टॉलेशन कर दिया है। बाकी आप लोग कमेंट करके बता देना ये वाली स्विफ्ट आप लोगों को कैसी लगी। एक बार बात करते हैं इस गाड़ी के ओनर से, उनको ये सब चीज़ें करवा कर गाड़ी का जो लुक है वो उनको बदला बदला सा लग रहा है या वैसी जैसी लेके आए थे वैसी लग रहा है, क्या लग रहा है एक बार भाइयों से पता करते हैं। गाड़ी की मॉडिफिकेशन तो कंप्लीट है, देखो बंद गाड़ी भी कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। लेकिन अब बात करते हैं इस गाड़ी के ओनर से, तो ये भाई लोग हमारे पास आए थे, कैसे हो भाई लोग? बढ़िया भैया। कैसा रहा सब कुछ? बढ़िया भाई साहब। VXI मॉडल लाए थे भाई आप, तो क्या कहना चाहोगे, बढ़िया लग रही है, कैसी लग रही है? मजा आ गया भाई। पहले से कुछ फर्क पड़ रहा है जो पहले जैसे लाए थे और अब लगने के बाद कुछ फर्क नजर आ रहा है? भाई हर एक चीज का फर्क है, हर एक चीज का ना, फ्रंट से लेकर बैक और इंटीरियर तक सब कुछ जैसा हमने सोचा था ना उससे बढ़िया मिला। इतना करने के बाद फ्रंट से चेंज हो गया, साइड में भी चेंज है, मिरर चेंज हो गए और पीछे आपकी टेल लाइट हो गया, पिलर लाइट हो गई है जो अंदर इसके वो है। और प्राइस वगैरह की बात करें मर्सिडीज लगा प्राइस? हाँ बिल्कुल डिस्काउंट दे दिया, बल्कि 2-3 हजार रुपए का तो उसने अच्छा, कम कर दिया था। कर दिया। और वैसे भी प्राइस कैसे थे, ज्यादा थे बहुत ज्यादा थे? कम प्राइस, कम ही था ना, तो करवा सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल आओ आओ भैया, अच्छे से करवाओ, दिन लगेगा पर जब टाइम तो देखो लगेगी ना शाम में, फिर आप देखोगे सारी थकान दूर है। तो अब भाई को जाना है जल्दी, भाई कह रहे फटाफट रिव्यू ले लो, मैं फटाफट निकलता हूँ ना। कैसा रहा भाई आप भी बता दो थोड़ा। बिल्कुल बहुत अच्छा रहा भाई, बढ़िया गाड़ी बेचने का मन, अच्छा दूसरी लेने का सही में काम ऐसा कर दिया भाई, अब नहीं बेचने का। हाँ अब तो सही बात है, अब तो बेचने का कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर सारा भाई ने बहुत अच्छा, ठीक है, अगर आपका मन कर रहा है ना बेचने का तो बेचो मत भाई, ये चीजें लगवा लो है ना, अब तो भैया दिल में रखने वाली चीज हो गई है पक्का, बिल्कुल। और एक भाई से ही बोले ना भाई भी हमारे बहुत अच्छा है भाई, वैसे आए कहाँ से भाई आप लोग? हम आए पानीपत से, पानीपत में संभाल का पट्टी के लिए आना काम है। अच्छा तो कैसे पता चला भाई के बारे में कि मतलब वहाँ जाना? YouTube पे वीडियो देखी थी भैया। अच्छा तो फिर वहाँ से मैंने फोन पे बात करी थी भैया, अगर फोन ज्यादा ठीक, उन्होंने एक बार आपने और भी तो बात करी होगी ना कि YouTube पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है आज के टाइम पे, तो है ना, तो कैसे चूज करा कि मतलब इसमें ये बंदे के पास ही जाना है? किसी के पास कुछ अच्छा था कुछ नहीं था, किसी के पास कुछ था। अब मनीष भी आ गई थी माई कार एक्सेसरी, मेरे को तो नाम भी याद हो गया था, और मैंने कल ही वीडियो देखी थी परसों। अच्छा परसों मैंने बात करी थी, मैं कहा भैया हम परसों आएंगे, ठीक है शुक्रवार को हम दिन दो और मेरी आना वो रख देना, हम ना सुबह 10 बजे पहुंच जाएंगे। ठीक है सुबह 10 बजे हम पहुंच गए और जो बोला था भैया ने सारा हमें बिल्कुल सारा प्रॉपर हमारा काम करके दिया। 8-9 बजे तक वापस भी उल्टे भी हो लोगे 8-9 बजे तक है ना,
घर पहुंच जाओगे आप कहाँ भाई। चलो भाई, तो भाई इसी तरीके से अगर कोई भी भाई अपनी स्विफ्ट को रेडी कराना चाहता है, चाहे वो ये वाला मॉडल हो चाहे वो नया वाला मॉडल है, नए वाले की तो बहुत सारी एसेसरीज आने बाकी है, बट इस वाले की सारी एसेसरीज अपने पास अवेलेबल है और नई वाले की भी जितनी हद तक आनी चाहिए, जितनी हद तक आती है वो सारी चीज़ अवेलेबल है। तो आप कुछ भी अगर दोनों में से करवाना चाहते हो तो आप लेके आ सकते हो भाई माही कार एसेसरीज पर करोल बाग में, जो कि भाई आपको पता है हमेशा से स्विफ्ट में करते थे और करते रहेंगे बढ़िया आर पर लेवल की मॉडिफिकेशन। तो करते हैं वीडियो के, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पीस आउट। छोरी तू गोरी रंग मेरा काड़ा, मम्मी कसम मैं दिल तनी माड़ा, अपनी जोड़ी पे तंज कसे जो जुबा पे डार दो उनके ताड़ा, हाथ पे टैटू है गाड़ा, नाम का तेरे जब तक पहाड़ा, फिकर का जिक्र न करियो लाडो, साथ में अपने है डमरू फाड़ा।